नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। रामानंद सागर की रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये वही अरुण गोविल हैं जिन्होंने एक वक्त पे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज उनको सियासत भाने लगी है। उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से उन्होंने सियासत में कदम रखा है और भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा है। आज दिल्ली के जो बीजेपी मुख्यालय में उनकी एंट्री बीजेपी में करवाई भाजपा के महासचिव अरुण सिंह ने, और उसके बाद हमने देखा कि अरुण गोविल ने आम तौर पर जो बड़े शांत नजर आते हैं, शांत स्वभाव के माने जाते हैं, उन्होंने तुरंत ममता बनर्जी पर वार करना भी शुरू कर दिया। आपको याद होगा जय श्री राम के नारे को लेकर एक बड़ी सियासत का एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है बंगाल में, और जय श्री राम के नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी को बड़ी दिक्कत है जय श्री राम के नारे से। इसी को आधार बनाकर अरुण गोविल ने तुरंत निशाना भी साध दिया, अभी अभी शामिल हुए हैं और अभी अभी उन्होंने ये बता दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निशाना भी साधेंगे, पार्टियों की रैलियां भी करेंगे, पार्टी का प्रचार भी करेंगे, खासतौर से पश्चिम बंगाल के चुनावों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़े चेहरे की तलाश कर रही है, ममता बनर्जी की वहां पर जमीन को हिलाने की कोशिश कर रही है और बड़े बड़े चेहरों को वैसे भी वो पार्टी में शामिल कर रही है। ऐसे में अरुण गोविल का पार्टी में शामिल हो जाना एक बहुत बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उनके चेहरे का खूब इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में भी करने वाली है। खासतौर से जय श्री राम के इर्द गिर्द जो सियासत एक चली आ रही है उसमें भी अरुण गोविल का नाम, उनका चेहरा एक बड़ा साथ देगा, एक बड़ी भूमिका निभाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल में। तो ये बड़ी खबर आ रही है। अरुण गोविल किसी पहचान के मोहताज नहीं है, बच्चा बच्चा उनको जानता है। वो एक बहुत लंबे समय तक वो जब भगवान श्री राम का किरदार उन्होंने निभाया था रामानंद सागर की रामायण में, उसके बाद से बहुत सारे लोग उनको जानते थे, भगवान श्री राम कहकर ही उनको बुलाते थे, और वही छवि अभी भी उनकी चल रही है। अभी जब फिर से रामायण का टेलीकास्ट हुआ था तो फिर अरुण गोविल जो है चर्चा में आ गए थे और इसी वजह से हर कोई उनका नाम जान गया था। तो एक बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और वो आने वाले चुनाव में प्रचार भी करेंगे बीजेपी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर को देखने के लिए।